ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका मेरा राज्य मेरा देश लेकर के हाजिर। अगली खबर उत्तर प्रदेश से ही है। कहावत सुनी होगी आपने, रस्सी जल गया पर बल नहीं गया। ठीक यही चीज देखने को मिल रही है, चाहे मुख्तार अंसारी की बात करें या माफिया आतिक अहमद की हम बात कर लें। दोनों इस वक्त जेल में जरूर है, लेकिन अब इनके परिवार रंगदारी गुंडागर्दी पे उतर आए हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ भी ऐसे माफियाओं का हिसाब किताब कर रहे हैं। प्रशासन कैसे इनका हिसाब किताब कर रही है, रिपोर्ट आइए आपको दिखाते हैं। न चलेगा अतीक का वसूली धंधा, न बचेगा मुख्तार का साम्राज्य। यूपी के 75 जिलों में 1500 बुलडोजर माफिया दबंग दंगाइयों के सीने पर तनादन तोड़ रहा है। मुख्तार जेल की रोटी तोड़ रहा है तो माफिया अतीक अहमद गुजरात के अहमदाबाद जेल में चक्की पीस रहा है। लेकिन इसके बाद भी उनकी हनक कम नहीं हुई है। बाबा योगी का बुलडोजर अभी तक इनके अरबों रुपए की संपत्ति को ध्वस्त कर चुका है तो पुलिस करीब 500 गुर्गों को जेल भेज चुकी है तो 150 गुर्गों का एनकाउंटर कर चुकी है। लेकिन इसके बाद भी इनका रंगदारी वसूली और अवैध कब्जे का धंधा चालू है। अब माफिया अतीक के भाई अशरफ समेत 6 लोगों पर 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का खुलासा हुआ है। प्रयागराज के धूमनगंज में सूरज नाम के एक युवक ने अतीक के भाई अशरफ पर धमकी देने, जमीन पर जबरन कब्जा करने और जमीन के बदले 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। किसी गरीब की संपत्ति पर, किसी व्यापारी की संपत्ति पर कोई माफिया और कोई पेशेवर अपना जबरन कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता, और अगर करेगा तो सरकार का बुलडोजर भी खड़ा रहता है। अब माफिया अतीक का पूरे परिवार पर योगी बाबा की पुलिस ने टेढ़ी नजरें गड़ा दी। अतीक के बेटे अली और उमर की तलाश एसटीएफ पहले से ही कर रही है। पुलिस ने चेता दिया है कि अगर सरेंडर नहीं किया तो कभी भी कहीं भी पुलिस एनकाउंटर कर सकती है। 2 लाख के इनामी उमर और 50,000 के इनामी अली की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ लगातार दबिश दे रही है। ये सब के सब तो उत्तर प्रदेश छोड़कर के चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी, मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। अतीक के पूरे परिवार पर वसूली और रंगदारी का धंधा चलाने का आरोप है। छोटे बेटे अली पर प्रयागराज में प्रॉपर्टी डीलर जिशान अहमद उर्फ जानू के साथ मारपीट और 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप है। वही अतीक अहमद का बड़ा बेटा मोहम्मद उमर अहमद भी 3 साल से फरार चल रहा है। सीबीआई ने उमर की गिरफ्तारी पर 2 लाख रुपए का इनाम रखा है। बाबा के बुलडोजर ने माफिया मुख्तार के भी हेंकड़ी निकाल दी है और मुख्तार के गुनाहों का हिसाब किताब यूपी में शुरू हो गया है। 1996 में अवधेश राय हत्याकांड मामले में आज माफिया मुख्तार की कोर्ट में वर्चुअली पेशी हुई। 1996 में मुख्तार के गुर्गों ने कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक अजय राय के भाई की गोलियों से भूंड कर हत्या कर दी थी। मुख्तार बीते 1 सालों से यूपी के बांदा जेल में बंद है। दूसरी तरफ मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी भी अपनी आदतों के कारण कानून के जाल में फंस चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और देखिए